गणपति बप्पा मोरिया। तो दोस्तों बड़े बड़े मूर्ति को आकार देकर फोटो डिटेल्स देख रहे हैं जो मैं लिखते रहा। महाराष्ट्र और कर्नाटक में बड़े ही धूमधाम से गणपति बप्पा मोरिया। सो दोस्तों फाइनली जितने भी स्टूडेंट और जितने भी गणपति बप्पा के जो हम लोग फैन है उन लोगों का दिन वो घड़ी आ चुका है। कहने का मतलब यही है कि जो लोग गणपति बप्पा के फैन है और गणपति बप्पा के प्रति तहे दिल से आस्था रखते हैं और वेट करते हैं पूरे साल 365 दिन का कि गणपति उत्सव कब आएगा और फिर से कब हम लोग गणपति उत्सव को दिल से पालन करेंगे, पूजा करेंगे और मनाएंगे। तो ठीक आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि 2023 गणपति उत्सव का तारीख क्या होने वाला है, चतुर्थी किस दिन लगने वाला है और किस दिन से कंटिन्यू 10 दिन यह फेस्टिवल जो मनाया जाता है हम लोग के इंडिया में और इंडिया के कौन से कोने में गणपति उत्सव को बड़े ही उल्लास के साथ मनाया जाता है भव्य तरीके से बड़े बड़े मूर्ति को आकार देकर, वो भी बताने वाला हूँ। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 2023 हिंदू धर्म का बड़ा त्यौहार में से एक त्यौहार, बड़ा उत्सव में से एक उत्सव, गणपति उत्सव, यानी कि गणपति बप्पा का जो पूजा हम लोग करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले गाइस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ढेर सारा प्यार जरूर दीजिएगा एक सब्सक्राइब करके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोगों को बता दूं स्क्रीन के पीछे अभी जो आप लोग डिटेल्स देख रहे हैं जो मैं लिख के रखा हूं, 2023 में जो गणपति बप्पा का चतुर्थी यानी कि गणपति बप्पा का पूजा करने का जो मुहूर्त लगने वाला है वो है 19 सितंबर 2023 मंगलवार का दिन। दोस्तों 19 सितंबर को पूजा करने का जो शुभ मुहूर्त, शुभ समय है सुबह 11:11 AM से दोपहर 1:38 PM तक। और आप लोगों को ये भी बात बता दूं 19 तारीख को तो पूजा करने का शुभ मुहूर्त है, लेकिन इनका जो चतुर्थी होता है वो एक दिन पहले 18 सितंबर को दोपहर 12:39 PM में लग जा रहा है। तो ये रहा 2023 का डेट 19 सितंबर। हम लोग के हाथ में गिनकर और 1 मंथ टाइम बचा हुआ है दोस्तों। तो 1 मंथ के अंदर में ही जो जो सिटी में गणपति बप्पा का उत्सव मनाया जाता है वहां पर अभी से ही आगाज हो चुका होगा, अभी से तो नहीं बोल सकता हूँ, 2-3 मंथ पहले से ही आगाज हो चुका होगा उनका भव्य मूर्ति बनाने का तैयारी, भव्य मंडप, भव्य पंडाल बनाने का तैयारी, जो कि 2-3 मंथ पहले से ही शुरू हो चुका होगा। तो ठीक हमारे भारतवर्ष में गणपति बप्पा का जो उत्सव मनाया जाता है पूरे 10 दिन, सबसे बड़ा उत्सव मुंबई सिटी में मनाया जाता है, मुंबई के अलावा महाराष्ट्र में मनाया जाता है और कर्नाटक स्टेट में भी मनाया जाता है और दोस्त मुंबई शहर। सो दोस्तों मुंबई, महाराष्ट्र और कर्नाटक में बड़े ही धूमधाम से उल्लास के साथ गणपति बप्पा का बहुत बड़ा बड़ा मूर्ति देखने मिलता है पंडाल में। लेकिन इसके अलावा दोस्तों भारतवर्ष का एक ऐसा राज्य वेस्ट बंगाल जहाँ पर हर एक धर्म का उत्सव मनाया जाता है बड़े ही उल्लास के साथ। और यहाँ ये भी कहा जाता है कि हिंदू धर्म का जो पूजा पाठ, जितना भी भगवान है, जितना भी फेस्टिवल मनाया जाता है, साल का 365 दिन में 366 दिन वेस्ट बंगाल में उत्सव मनाया जाता है। तो ठीक जब उत्सव का बारी आए तो वेस्ट बंगाल को हम लोग नहीं भूल सकते। मैं जैसे रहता हूँ वेस्ट बंगाल का नॉर्थ 24 परगना डिस्ट्रिक्ट के नेहटी सिटी में, तो ठीक नेहटी सिटी के बगल में ही एक और छोटा सा सिटी है कांकीनाड़ा, जहाँ पर गणपति बप्पा का उत्सव बड़े ही धूमधाम से, बड़े ही उल्लास के साथ मनाया जाता है। स्क्रीन के पीछे जो आप लोग थोड़ी देर पहले से जो फुटेज देख रहे हैं ये 2022 का फुटेज मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, गणपति बप्पा का जो फुटेज 2022 में कांकीनाड़ा में जो ये उत्सव मनाया जा रहा है। तो कांकीनाड़ा सिटी में भी गणपति बप्पा का आगाज हो चुका है, बस 1 मंथ वेट करना है दोस्तों। मैं खुद कांकीनाड़ा सिटी को विजिट करूंगा गणपति उत्सव में और कहाँ क्या बड़ा बड़ा थीम बना है, गणपति बप्पा का भव्य मूर्ति बना है, वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, खुद लाइव फुटेज दिखाऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, इसी तरह धार्मिक उत्सव और हिंदू धर्म के सारे उत्सव का ऐसे ही वीडियो फुटेज देखने के लिए। तो चलिए मिलेंगे अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, कुछ नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आज का ये पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। जाते जाते कमेंट सेक्शन में गणपति बप्पा मोरिया का नारा लगाना मत भूलना।